मेवात नूह की हिंसा कौन नहीं जानता और इस हिंसा के अंदर क्या हुआ वो भी आप सभी लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, क्योंकि कल से सारी खबरें चल ही रही हैं कि किस प्रकार से नूह के अंदर हिंसा भड़की। हिंसा भड़कने का जो कारण था वो कारण ये रहा कि वहाँ से ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई, जो कि शिवजी के नल्हड़ में मंदिर से निकली थी जलाभिषेक के बाद में, और उसके बाद में वहाँ पे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। वहाँ एक पूरे प्लान्ड तरीके से उस यात्रा में शामिल लोगों के ऊपर हमला किया गया। पहले छतों के ऊपर से, घर की छतों के ऊपर से पहले उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, वहाँ पे नज़दीक एक पहाड़ी की ऊपर से गोलियाँ चलाई गई, और तस्वीरों के अंदर तो आप साफ देख भी पाए होंगे कि वहाँ पे लोग राइफल तक लेकर के घूम रहे थे। उन लोगों ने जो ना करना था वो सारी चीज़ें की, और जैसा कि दिल्ली के अंदर दंगा हुआ था वही एक बार फिर से दोहराने की पूरी पूरी जो कोशिशें थी वो यहाँ पे हुई। 90 से ज़्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जो गाड़ियाँ वहाँ पे जली, 3 लोगों की मारे जाने की वहाँ से खबरें भी आ रही हैं, जिनमें से 2 तो पुलिसकर्मी थे और एक वहाँ पे जो सिविलियन कोई बताया जा रहा है वो था, और उसके साथ साथ वहाँ पे अभी जो खबरें हैं वो मीडिया के तहत आ नहीं पा रही हैं। वहाँ पे हुआ तो बहुत कुछ भी है, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें घटी हैं कि जो आपको अगर बताएंगे तो अपने कानों के ऊपर विश्वास नहीं होगा। वहाँ पे दुकानें जलाई गई हैं, जो हिंदू क्षेत्र की जो दुकानें थी या हिंदुओं की जो दुकानें थी उन दुकानों को वहाँ पे जलाया गया, शोरूम के शोरूम वहाँ पे लूट लिए गए, यहाँ तक कि जो हीरो का वहाँ पे शोरूम है उसके अंदर भी वहाँ पे लूटपाट की गई। शोरूम के अंदर से 60-70 जो बाइकें हैं वो वहाँ से उठा ली गई, डाका मार करके वहाँ से जो वहाँ के मुस्लिम लोग थे उन्होंने वहाँ से उन बाइकों को चुराया, और उसके बाद में वहाँ के उस हीरो शोरूम को भी आग के हवाले कर दिया गया। तो किस प्रकार का जो भयंकर षड्यंत्र साजिश वहाँ पे चली उसकी जो वानगी है वो आपने वहाँ पे देखी। 20 से ज़्यादा जो वहाँ पे FIR हैं वो कर दी गई हैं, और इन FIR का नतीजा ये है कि पुलिस ने जो धर पकड़ है वो भी शुरू कर दी है, और उसके साथ साथ 20 के आसपास जो बटालियन हैं वो वहाँ पे अर्ध सैनिक बलों की बुला ली गई हैं। आसपास के जितने भी जिले उससे लगते हैं समेत रेवाड़ी, गुड़गांवा और मेवात, जिसको कि आजकल आप नूह के नाम से जानते हैं, और राजस्थान का लगता हुआ भरतपुर, इन सभी जिलों के अंदर जो इंटरनेट की सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं, और उसके साथ साथ धारा 144 वहां पे लगा दी गई है। और ये आग सिर्फ मेवात तक नहीं रही, ये आग मेवात से होते हुए सोहना गुड़गांवा तक भी भड़की है, और ये जो धार्मिक हिंसा वहाँ पे भड़की है इसका जो कारण था वो भी आप जान ही चुके होंगे कि वहाँ से एक यात्रा निकाली जा रही थी और उसके ऊपर जो हिंसक घटनाएं हैं वो की गई। और इसके अंदर एक नाम और बताया जा रहा है जिसको कि मोनू मानेसर के नाम से आप जानते हैं, लेकिन वहाँ पे जो मोनू मानेसर की जो वीडियो है उसके अंदर कहीं भी कोई ऐसी चीज़ या ऐसी कोई हिंसा करने की चीज़ वहाँ पे नहीं उसके अंदर से बताई गई है। लेकिन ये एक बहुत प्लान तरीके से था, पूरा का पूरा जो मामला वो आप देख पा रहे हैं, और पूरे ही देश के अंदर जिस प्रकार से ये एक भेदभाव हो रहा है, और उसी तरीके से जो हिंदू जहाँ भी कहीं कलश यात्रा निकाली जाती, कहीं और चीज़ें की जाती, कहीं पे जलाभिषेक के बाद में ऐसी जो ब्रंज मंडल जैसी यात्राएं वो निकाली जाती, इन सभी के ऊपर ही ऐसी जो हिंसक घटनाएं हैं वो हो रही हैं। तो अब यहाँ पे हर दिन लगातार हिंदुओं के ऊपर भारत के अंदर हमले होना एक बहुत ही शोचनीय और विचारणीय विषय बनता जा रहा है, और इसके ऊपर पूरे के पूरे जो खुलासे हैं वो भी होंगे। लेकिन इस प्रकार से पत्थर इकट्ठे करना, इस प्रकार से गोलियां, बंदूक, सब कुछ पूरा का पूरा मुजस्मा लगा देना, ये एक तरीके से पूरे प्लान की तरफ जो इशारा है वो करता है। और प्लान में ऐसी ऐसी जो राइफलें हैं वो भी वहाँ पर मिली हैं, और साथ साथ अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या कुछ नहीं किया गया होगा, लोगों के साथ क्या कुछ किया गया होगा वहां पे, वो आप समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी घटनाएं वहां पे हुई होंगी, क्योंकि सब कुछ वहां पे बंद कर दिया गया था। और अब जो गृह मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अनिल विज जी, उन्होंने जो वहां पे
एक आह्वान किया है, या फिर अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वहाँ पे जो बटालियंस को बुला लिया गया है और पूरा का पूरा अब वहाँ पे जो भी प्रकरण हुआ है उसकी जांच होनी तय है। लेकिन साथ साथ एक ये बड़ा विषय बनता अब जा रहा है कि क्या ऐसे ही जो हिंसक झड़पें हैं अब होती रहेंगी, और मुस्लिम आबादी जितनी बढ़ रही है उतनी ही हिंसक झड़पें होती भी जा रही है, और जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी है वहीं पे ये सारी घटनाएं होती हैं। अब इस घटना के पीछे क्या हो सकता है वो तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन बाद में जो दूसरे खुलासे हैं वो भी आपके साथ में आकर के हम करने वाले हैं। लेकिन वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो तो आप साथ साथ देख ही पा रहे हैं, उन वहाँ की जो वीडियोज़ हैं वो भी आप हमारे साथ में देख ही पा रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।